और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी पांचवी सूची जारी कर दी है जिसमें अलग अलग राज्यों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें कौन कौन से बड़े उम्मीदवार हैं वो आपको बता दें। बिहार में किस तरीके से पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को फिर से टिकट दिया गया, मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दे दिया गया है जिन्होंने राम का अभिनय किया था, पीलीभीत पर सभी की नजरें थी, वरुण गांधी का टिकट कटा और जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया, मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दे दिया गया है, गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट कटा है और अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया गया है, सारण से राजीव प्रताप रूड़ी पर फिर से भरोसा जताया गया है, बेगूसराय से गिरिराज सिंह को फिर से उम्मीदवार बना दिया गया है, वहीं बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कटा और मिथिलेश तिवारी को जो है टिकट दे दिया गया है। तो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जिन्होंने अब से कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और अब उन्हें टिकट दे दिया गया, रणजीत चौटाला को भी टिकट दिया गया। बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी की है जिसमें सबसे बड़ा नाम कंगना रनौत का मंडी से टिकट दिया गया है, कंगना रनौत को, अभिनेत्री कंगना रनौत को भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, मंडी से टिकट दे दिया गया है। और इसी के साथ में कुछ बड़े और चेहरे हम आपको बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को हाल ही में पार्टी ज्वाइन करी, रणजीत चौटाला को हिसार से, रोहतक से अविंद कुमार शर्मा को, कंगना रनौत एक बहुत बड़ा नाम रहा इसलिए क्योंकि हम देख रहे थे कि किस तरीके से वो लगातार सरकार के कामों की प्रशंसा भी करती रही हैं, ऐसे में कंगना रनौत को भी टिकट मिला है। रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर से, जहां से वो पहले भी चुनाव लड़ते रहे पटना साहिब से, एक बार फिर से उनको टिकट दे दिया गया वहीं से, वहीं बेगूसराय से गिरिराज सिंह को फिर से मौका दिया गया, लेकिन बिहार में झटका लगा अश्विनी चौबे को, उनका टिकट कटा और उनकी जगह बक्सर से मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया गया है। तो बीजेपी ने अपनी ये सूची जारी की है, राजीव प्रताप रूड़ी को एक बार फिर से मौका दिया गया, सारण से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से, हम पहले ही आपको बता रहे थे, एक खास बात यह भी कि न्यूज 18 इंडिया ने ये जो नाम आप अभी देख रहे हैं जिन पर मोहर लग गई है, हमने पहले ही आपको ये नाम बताए थे कि ये संभावित चेहरे, अरुण गोविल का नाम हमने आपको पहले भी बताया था, सुबह से हम आपको ये नाम दिखा रहे हैं, मेरठ से मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट मिला है, हमने सुबह भी आपको बताया था, जितिन प्रसाद पीलीभीत से ये मौजूदा समय में राज्य की सरकार में मंत्री भी है, उनको भी देखिए टिकट मिल गया, कंगना रनौत को मंडी से टिकट दिया गया है बीजेपी की सूची में, नवीन जिंदल अब से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी का दामन थामा, अमिताभ हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए, अमिताभ जी कैसे ये सूची, कैसे एनालिसिस करेंगे और रविशंकर प्रसाद को फिर से मौका दे दिया गया, कंगना रनौत को मंडी से उम्मीदवार बनाया गया। देखिए कंगना रनौत दो तीन चीजें सामने के, कंगना रनौत ने खुलकर जब हमारे प्लेटफॉर्म पर आई थी चौपाल में तब भी उन्होंने कहा था कि अगर टिकट मिले तो लड़ने के लिए तैयार है, तो उनको टिकट और बीजेपी के लगातार बीजेपी पक्ष में वो लगातार बोलती रही है, तो उन्हें टिकट मिल गया है और बीजेपी और एक बड़े बड़े चेहरे पर, एक बड़ा चेहरा है वो, एक बड़े फिल्म सितारे है, तो हो सकता है अपनी सीटों निकाल ले, इसलिए बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है। जहां तक कई रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, राजीव प्रताप रूड़ी, यू जैसे बड़े जो नाम सामने आए उससे ये साफ होता है कि पार्टी जो पुराने सांसद है जो अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे और साथ ही साथ संसद में भी सक्रिय रहे और जिनकी विजिबिलिटी देश भर में है, उन नेताओं को पार्टी, उन सांसदों को भी पार्टी प्राथमिकता दे रही है। इसी कड़ी में रविशंकर प्रसाद को भी टिकट मिला है जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और पार्टी हमेशा अपने किसी न किसी काम में उनको अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उतारती है। गिरिराज सिंह काफी बड़े वोकल बीजेपी और हिंदुत्व के मामले में बोलते रहे, यूपी में कुछ चेंजेस हुए हैं, हाँ यूपी में काफी 80 सीटें दांव पर होती हैं और बीजेपी कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ना चाहती। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो पुराने अनुभव हैं उनके साथ साथ नए चेहरे, जो बड़े चेहरे हैं, जो फिल्मी सितारे भी हैं, जो अपने क्षेत्र में अपने फन में माहिर लोग हैं और साथ ही साथ युवा और नए चेहरे, इन तीनों को तवज्जो दी है और सबका एक मिशन है जो बीजेपी की एक टीम है और बीजेपी आलाकमान कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहता अपनी जीत के परसेंटेज को, जीत सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए। अमिताभ जी आऊंगी मैं आपके पास में, अमित